वीरनगर राज्य का गजराज नामक एक राजा था। उस राजा ने 5 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा किए गए गुनाहों की सजा देने के लिए करता था। राजा को अपने 5 कुत्तों पर बहुत गर्व था। राजा का एक बहुत ही कुशल मंत्री था, जिसका नाम था धर्म। वह राजा की सेवा में पिछले 10 साल से कार्यरत था। राजा ने अपने राज्य को कुशल तरीके से चलाने के लिए छोटे से छोटे नियम बना रखे थे, जिनका पूरी तरीके से पालन होता था। अगर कोई उल्लंघन करे तो राजा उसे कुत्तों के आगे फिकवा देता था। ऐसे छोटे छोटे नियम राजमहल के लिए भी बनाए गए थे। उन्हीं में से एक नियम यह भी था कि राजा के कक्ष में कोई भी जूते या चप्पल पहनकर नहीं आएगा। एक दिन धर्म की पत्नी बीमार पड़ गई। 1 हफ्ता होने को आया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। धर्म इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। ना उसका मन राज दरबार में लगता, ना ही किसी और काम में। एक दिन राजा को किसी काम में कोई समस्या आन पड़ी। राजा ने सैनिक से कहा, जाओ और मंत्री जी को हमारे कक्ष में भेजो। सैनिक ने जाकर धर्म से कहा, आपको राजा ने अपने कक्ष में बुलाया है। धर्म राजा के कक्ष में गया, लेकिन अपनी पत्नी की हालत को लेकर वह काफी चिंतित था, जिसकी वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कक्ष में जाने से पहले उसे जूती उतारनी है। वह बिना जूती उतारे कक्ष में प्रवेश कर गया। राजा ने जब यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे कुत्तों के आगे फिकवाने का हुक्म दे दिया। धर्म को कुत्तों के कक्ष के सामने ले जाया गया। राजा ने उसे कक्ष में डालने से पहले पूछा, बताओ धर्म, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? धर्म ने कुछ देर सोचा और कहा, महाराज, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 साल सेवा की है। मैं मृत्यु दंड से पहले आपसे 10 दिन की मोहलत चाहता हूँ। राजा ने धर्म की बात मान ली। 10 दिन बीत गए। 11वें दिन राजा ने सैनिकों को धर्म को पकड़कर लाने के लिए भेजा। पकड़ने के बाद राजा ने उसे कुत्तों के आगे फेंकवाने का हुक्म दे दिया। लेकिन फिर जो हुआ उसे देखकर राजा और सैनिक चौंक गए। कुत्ते मंत्री पर टूटने की बजाय उसके सामने पूंछ हिला हिलाकर उससे प्यार जता रहे थे। राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, धर्म, ये कुत्ते तुम्हें काट खाने की बजाय प्यार क्यों कर रहे हैं? धर्म ने कहा, महाराज, मैं उस दिन कक्ष में इसलिए ज्योति सहित प्रवेश कर गया था क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी और मैं उसे लेकर चिंतित था, लेकिन आपने मेरा पक्ष सुने बिना ही मुझे सजा सुना दी। मैंने आपसे जो 10 दिन की मोहलत मांगी थी, वो 10 दिन का समय मैंने इनके साथ इनकी सेवा में बिताया है। मैंने इनको खाना खिलाया, इनको नहलाया, इनके साथ खेला, मैंने हर तरह से इनका ख्याल रखा। राजन, ये कुत्ते जंगली एवं खूंखार होकर भी मेरी 10 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं, परंतु मुझे खेद है कि आपने एक राज्य के पालनहार होकर भी मेरी एक गलती पर मेरी 10 साल की स्वामी भक्ति को भुलाकर मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा मंत्री की यह बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और सौगंध ली कि वह आज से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा।